ओम शांति। आज 17 नवंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2002। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन दादी मनोहर इंदिरा जी उन्होंने अपनी भौतिक देह का त्याग किया। दादी मनोहर इंदिरा जी के एक बहुत सुंदर विशेषता कि वो सचमुच सबके मन को हरने वाली थी, हर एक का दिल जीत लेते थे, जिससे भी मिलते थे सदा मुस्कुराते हुए मिलना और ये स्मृति दिलाना कि हर एक को बाबा की याद में रह के हर कार्य करना है और किसी भी कीमत पर, गर्मी हो या सर्दी, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परीक्षाएं क्यों ना हों, बाबा की मुरली क्लास में ही सुननी है। दादी जी अपना दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक दिन बहुत ठंड थी और मैं क्लास में नहीं गई, तो ब्रह्मा बाबा तब साकार में थे। दिन में जब बाबा मिले तो बाबा ने पूछा कि बच्ची आज आप क्लास में नहीं आई, तो दादी जी ने कहा कि बाबा आज बहुत ठंड थी ना, इसलिए मैंने कमरे में ही बैठकर सुन ली। तो बाबा ने कहा भले ही रजाई लेके आ जाना पर क्लास में जरूर आना, ठंड लगती है तो उसका उपाय करो, लेकिन ऐसा नहीं कि ठंड की वजह से आप घर में बैठ जाओ या रूम में बैठ जाओ। तो दादी जी सबको ये पक्का कराते थे कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली संगठन में क्लास में सुननी है और हर एक को बाबा की स्मृति दिलानी है। बाबा याद है, मिलते हुए भी पूछते थे बाबा याद है, ऐसी सर्वप्रिय, सबके दिल को सुकून देने वाली, सबको ज्ञान के राज रमणीकता से सुनाने वाली आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी को हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कुछ आपने हमें याद दिलाया, मुरली का महत्व समझाया, हम सब भी इतने ही प्यार से मुरली सुनेंगे, क्लास में रेगुलर बनेंगे। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। बाबा अपने दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी विशेष बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने देखा कि मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, कल्प में एक बार ये दिल तख्त प्राप्त होता है, भ्रिकुटी तख्त तो हर जन्म में मिलता है, लेकिन ये दिल तख्त कल्प में एक बार ही मिलता है और जो दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं वो स्वराज्य अधिकारी हैं। बाबा पूछ रहे हैं स्वराज्य अधिकार का नशा रहता है, आपको बाबा ने झूले दिए हैं, ज्ञान का झूला, खुशी का झूला, आनंद का झूला, इन झूलों में झूलते रहो, इनको छोड़कर कभी देह भान की मिट्टी में पांव नहीं रखना। जब देहाभिमान में आ जाते हैं, देह भान की मिट्टी में आ जाते हैं तो बोझ अनुभव करते हैं, अभी बोझ मुक्त हो जाओ। कभी कभी कहते हैं थकावट होती है तो ये मन का बोझ थकावट का अनुभव कराता है, इस बोझ से मुक्त होने के लिए अलबेलापन और आलस्य छोड़ देना है, अलबेलेपन के बोल भी छोड़ देने हैं। कई कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, बाबा ने कहा जो बेफिक्र होगा वो भी यही कहेगा, लेकिन दोनों के रूप में बहुत अंतर है। आप बच्चों को इस संगम समय पर परमात्म दिल तख्त प्राप्त है, तो इस दिल तख्त पर जो जितना रहता है उतना विश्व राज्य का तख्त मिलता है। वर्तमान माया के दो रूप हैं, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैं ही राइट हूँ। माया के इन रूपों को पहचानना है और इन पर विजयी बनना है। रिटर्न शब्द याद करना है, बाबा से जो प्यार प्राप्त किया
उसका रिटर्न देना है, बाप समान बनना है। और अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापस घर जाना है। इसलिए निमित्त भाव निर्माण भाव हो। अगर निर्माण भाव नहीं है तो जरूर निमित्त भाव में कमी है। बाबा ने तीन शब्द भी स्मृति में दिलाए, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में मुरली का सार है, रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में आप सिक्के लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में आप सिक्के लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रिकुटी का तख्त सर्वात्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को भी प्राप्त नहीं। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य हर आत्मा का गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, दिल में दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। स्वराज्य अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता। साथ साथ ये भी नशा है, हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में दिल तख्त का बहुत महत्व है। स्थूल शरीर में भी हृदय का बहुत महत्व है और यहाँ ज्ञान मार्ग में आध्यात्मिक जीवन में दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोचों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो कौन से हो आप? पांडव माताएं सब हाथ हिला रहे हैं। हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगाते हो? लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते, सदा तख्त पर गोदी में या अतींद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे, कहाँ कहाँ रह सकते हैं हम? बाबा के दिल तख्त पर, बाबा की गोदी में, अतींद्रिय सुख के झूले में। आपके लिए परमात्मा ने, बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कौन से झूले हैं? कभी सुख के झूले में, कभी खुशी के झूले में, कभी आनंद में झूले में झूलो। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे, कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते रहते हो, मिट्टी में तो नहीं आते? कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से खेलते रहे, तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते हो। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता? कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है। देह अभिमान मतलब बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस ये भी मिट्टी है। देह अभिमान और देह भान, देह भान बॉडी कॉन्शियस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय
ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में, चंद्रवंश में भी, सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। चेक करो, संगम युग के आदि समय से अब तक, संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50 हुए, चाहे 66 साल हो गए या कम ज्यादा, जब से ब्राह्मण बने आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे, बहुत काल रहा, निरंतर रहा या कभी कभी रहा, बहुत काल रहा, निरंतर रहा या कभी कभी। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, पर सूक्ष्म बोझ मन में होता है, तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना प्लान बनाना अलग चीज है, लेकिन बोझ मन में रखना वो अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये नहीं कि अलबेले रहें, अलबेलापन और कहें हो, अलबेलापन और कहें कि हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी दृढ़ निश्चय होने के कारण सोचता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी दृढ़ निश्चय होने के कारण सोचता है, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ पड़ा है। हर कार्य हिम्मत और बाबा की मदद से सफल हुआ पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो एक शब्द है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूपों का पेपर लेती है, बच्चों का पेपर लेती है माया दो रूपों से, एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं ही राइट हूं, जो किया जो कहा जो सोचा मैं कम नहीं राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण ये चाहते हैं। एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाबा से हुई सर्वप्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। हमने बाबा से बहुत कुछ पाया है, प्यार सहयोग स्नेह इन सब का रिटर्न देना है, प्राप्तियों का रिटर्न देना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा अब हमारी रिटर्न जर्नी है, मतलब वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है, हर संकल्प बोल कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। रिटर्न जर्नी है, बाप समान बनना है, तो अपने संकल्प बोल कर्म को बाबा से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना नया करना इसकी आवश्यकता है ही नहीं, जो बाबा ने किया वो फॉलो फादर। सहज है ना, टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल, सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा, नए आने से पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो, सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई कदम नहीं उठाएंगे।
सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई कदम नहीं उठाएंगे, बस फुट स्टेप, कदम पे कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव निर्माण भाव, जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त निर्माण भाव से रहे, ऐसे सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में, बोल में, किसी के भी संबंध संपर्क में, हर कर्म हर बोल में निर्माण, जो निर्माण है वो निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं नहीं भी और रोब होगा। ये बात बाबा कह रहे हैं, जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब, ये अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल वाणी, मधुर भाषी, जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निर्विकारी निरंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीन शब्द याद रहते हैं ना, निराकारी निरंकारी निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहा ना, निराकारी निरंकारी वही निर्विकारी, फॉलो फादर पक्का रहा ना। अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है ये तीन शब्द, निराकारी निरंकारी निर्विकारी। अंश भी ना हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, अंश भी ना हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ है तीन शब्दों को स्मृति में रखो, ठीक है। अच्छा, डबल फॉरेनर से उठो, अच्छा ग्रुप आया है, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पे खुशी है, जानते हो कौन सी, देखो कितना दूर देश से आते हैं, डायरेक्शन मिला इस तन में आना है तो पहुंच गए, कैसा भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, ऐसी स्टेज पर दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई देता है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, कोई कोई सोचते हम स्टेज पर जाएं बाबा से दृष्टि लें, अगर आप दूर बैठे हैं तो बाबा की दृष्टि दूर बैठी आत्माओं पर भी जाती है। डबल फॉरेनर्स, हांची का पाठ अच्छा पड़े हुए हैं, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही लेकिन नाज भी है। ऐसे तो हम सब भी फॉरेनर्स हैं, परमधाम से यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो लोग भारत से भी दूर हो गए, इसलिए बाबा उनको डबल फॉरेनर्स कहते हैं। डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। विदेश में भी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है क्या, गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए या विशेष स्थान रह गया, कौन सा स्थान रहा है। तो किसने कहा, मिडल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं, फिर भी देखो ये ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है, फिर भी बाप दादा जानते विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बनी हो। बाप दादा हमेशा कहते हैं विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर अपने पुरुषार्थ से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, सदा आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता के सितारे हो। बहुत अच्छा, कुमारों का ग्रुप, बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं कुमारों से जिन्होंने आजीवन बाबा से पवित्र रहने का संकल्प किया है, ऐसे कुमारों को बाबा देख रहे हैं। मधुबन के कुमार भी हैं, देखो कुमारों की संख्या कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं, कौन से कुमार हो, ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है, कुमारों की विशेषता है सदा जहां भी अशांति होगी वहां शांति फैलाने वाले शांति दूत। कुमार सभी पक्का कर लेंगे, मैं शांति दूत हूं। मन की अशांति ना कि बाहर की अशांति, आप शांति दूत है ना। कुमारों का कार्य है मुश्किल काम को
आसान कर देना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, आज सबसे हार्ड से हार्ड वर्क है अशांति को मिटाकर शांति दूत बन, शांति फैलाना। ऐसे कुमार होना अशांति का नाम निशान ना रहे, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले, कहीं भी आग होगी तो आग बुझाएंगे। तो शांति दूत का कार्य है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत होना पक्का 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 बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देखकर खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार ग्रुप अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। गवर्नमेंट भी डरती है झगड़ा करने वालों से, लेकिन बाबा ने कहा आप शांति दूत बन, एक मिसाल बन जाओ, सारे विश्व में छा जाएं। ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना दिल्ली में करना, करना है ना दादियां, करेंगे ना। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे और विश्व में कितने होंगे, तो बताया लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वो सुलटा कर दो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं। बाबा को ऐसा ग्रुप चाहिए जिनका मन भी शांत है, जिनके घर में भी शांति है, मन में भी अशांति ना हो, साथियों में भी ना हो, स्थान पर भी नहीं, अपने अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे पे बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, अनुभव हो ये शांति दूत है, उनके चेहरे पे लिखाओ ये शांति दूत है, दूसरों को महसूस हो, ठीक है ना। कुमारियों से, कुमारियां भी बहुत हैं, इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है, नौकरी करना या विश्व सेवा, ताज सिर पे रखना है या टोकरी रखनी है, क्या रखना है। देखो सब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वो हाथ उठाओ, एक परिवार का नहीं 21 परिवारों का करेंगी। देखो आपका नाम नोट होगा, फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है, समय से पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, इसलिए लक्ष्य रखो हम सब विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं, ठीक है ना। रहमदिल होना, रहमदिल बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो, थोड़ा सा और अधिक रहमदिल बनो। कुमारियों को तो बाबा का बहुत सहज तख्त मिलता है, देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हैं ये कुमारियां, क्या कमाल करके दिखाती हैं। बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, करेंगे अभ्यास। निराकार आत्मा ज्योति स्वरूप, अभी अभी फरिश्ता, चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न, अभी अभी रूहानी एक्सरसाइज करो। बाबा से प्यार है तो ये एक्सरसाइज करो, निराकारी रूप, फरिश्ता रूप, अभी अभी बिंदु रूप, अभी अभी प्रकाशमय काया में, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में फरिश्ता। बाबा ने ड्रिल कराई, अच्छा चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सब तरफ से बाप दादा को पहुंची, हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते हैं, कोई कार्ड द्वारा भेजते हैं, कोई मुख द्वारा। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पोंड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं इस समय कितना भी बचा है, मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा याद है। अच्छा चारों ओर के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सब बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को, रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, संकल्प वाणी और कर्म में
फॉलो फादर करने वाले हर बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। आज का वरदान, सर्वात्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव, सर्वात्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव, फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्वात्माओं को जगना ही है, कोई अपोजिशन करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगे। जो आपका अपोज करते हैं, अपोजिशन वाले हैं, विरोध करने वाले, अपमान करने वाले, अपशब्द बोलने वाले, ये सब खाद का काम करेंगे और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। शुभ भावना का बीज डालते चलो, शुभ भावनाएं देते चलो। जो भी आपको अपोज करता है, गाली देता है, ये सब खाद का काम करता है। जितना गाली देंगे उतना ही गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति से, वाइब्रेशन से, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम सुख शांति आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे सच्चे तपस्वी हैं। आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग है। सभी 6:30 से 7:30 तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सब आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं त्रिकुटी कक्ष में, स्वराज्य का तिलक देखेंगे। परमात्म दिल तख्त प्राप्त करने वाली मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैंने आज बाबा से वायदा किया है, मुझे आपके प्यार का रिटर्न देना है, फॉलो फादर करना है, निमित्त निर्माण भाव से सेवा करनी है। सदा ही माया के रूप को पहचान कर सावधान रहना है। व्यर्थ संकल्प और मैं ही राइट हूं, इस रूप को सदा के लिए समझ कर विदाई देनी है। बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है। आज पूरा दिन ये स्मृति रखनी है, मेरी रिटर्न चढ़नी है, ते बाबा के प्यार का रिटर्न देना है। मैं निमित्त हूं, निर्माण भाव में स्थित हूं। मैं निमित्त हूं, निर्माण भाव में स्थित हूं। शुक्रिया बाबा, आपने जो झूले दिए सदा इन झूलों में झूलते रहेंगे, कभी मिट्टी में पांव नहीं रखेंगे। देह भान की मिट्टी से, देह अभिमान से दूर रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कई बार कुछ अवज्ञाएं हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति के लिए क्या युक्ति अपनाएं, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।